लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे विवाद के बीच अब चीन और इंडोनेशिया के बीच तनाव का मामला सामने आया है। इस दौरान इंडोनेशिया ने नतुना द्वीप समूह पर अपने कई जंगी जहाज और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के एक द्वीप पर अपना अधिकार जुटाने के लिए नतुना द्वीप समूह पर कई युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैयार कर दिए। इतना ही नहीं, वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति विडोडो के पहुंचने से पहले ही इंडोनेशिया की सेना अपनी तैनाती चौकस कर दी थी। विडोडो ने कहा कि इस द्वीप पर सिर्फ इंडोनेशिया का अधिकार है, जबकि क्षेत्र में चीन का इंडोनेशिया के अलावा वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के साथ भी विवाद चल रहा है। दरअसल हाल ही का तनाव तब शुरू हुआ जब पिछले दिनों इस विवादित क्षेत्र से चीन के कई जहाज गुजरे थे। इसके बाद इंडोनेशिया ने चीन के राजदूत को तलब कर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उधर चीन पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना एकाधिकार जताता आया है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख मार्ग के अलावा मछलियों का बहुत बड़ा भंडार भी माना जाता है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन हमेशा अपना एकतरफा हक जताता है, जबकि इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।